हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस एंजॉय माय वीडियो एंड होप यू गाइस आर फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड आप सबके लिए वीडियो बनाने भी चली आई हूँ। तो गाइस, इट्स मी रोजी, मींस योर ऑल टाइम फेवरेट चाय पत्ती, आप सभी की प्यारी चिप्स, आपके लिए प्रस्तुत करती है एक न्यू वीडियो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहूँगी कि कैसे हो मेरे प्यारे चिपस्टार्स, मेरे प्यारे रोजियंस एंड मेरे प्यारे चाय पत्तियंस, कमेंट करके बताओ, ठीक है। सो गाइस, जैसा कि आपको टाइटल थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा कि आज का वीडियो कितना क्रीपी, कितना स्केरी, कितना फ्रीकी और कितना डरावना वीडियो होने वाला है ना। आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज का वीडियो कितना स्पूकी, कितना क्रीपी और कितना डरावना होने वाला है। तो गाइस, मैं आप सबके लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू हॉरर वीडियो, या फिर मेरे लैंग्वेज पे एक न्यू हॉरर ब्लॉग। तो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी दोज हु आर वॉचिंग माई हॉरर ब्लॉग या फिर आपके लैंग्वेज पे हॉरर वीडियो। तो आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ इस वीडियो पे। तो यहाँ गाइस, बट गाइस, आप सबके लिए मैं फिर से एक बार इस वीडियो का टाइटल रीड आउट करती हूँ। तो गाइस, आज के वीडियो का टाइटल है आई डिड ब्लडी मेरी चैलेंज एट 3 AM इन एन अमावस नाइट गॉन एक्सट्रीमली रॉन्ग हॉलीडे। तो गाइस, आज आप सबके लिए फिर से करने वाली हूँ ब्लडी मेरी चैलेंज के, वो भी रात के 3 बजे, जिसको डेविल्स आवर माना जाता है एंड कर्स्ड आवर भी माना जाता है। तो रात के 3 बजे को कर्स्ड माना जाता है, तो इसी टाइम को मैं फिर से करने वाली हूँ ब्लडी मेरी हॉरर चैलेंज के। तो गाइस, आज मैं एक अमावस की नाइट में इस चैलेंज को शूट करने वाली हूँ एंड मैं ये वाला चैलेंज फिर से क्यों करने वाली हूँ उसका रीज़न बताऊँगी सबसे पहले एंड उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली चैलेंज करके दिखाने वाली हूँ। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। एंड बिफोर दैट, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं उनको कहूँगी कि अगर आपने मेरा पहला वाला ब्लडी मेरी चैलेंज का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड अगर आपको ब्लडी मेरी की स्टोरी के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो या गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेस। तो गाइस, मेरा एक फ्रेंड है जो कि अब्रॉड पे रहता है, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, बट अभी दिल्ली पे आया हुआ है एंड बट हम लोग सेम टाउन पे नहीं रह रहे अभी। तो अगर हम लोग सेम टाउन पे कभी रहे, जब मुलाकात होगी, आप सबसे ज़रूर मिला दूंगी। तो उस टाइम हम दोनों एक साथ मिलके एक हॉरर चैलेंज फिल्म करने वाले, ऐसा हम लोगों ने प्लान कर लिया है। तो उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज है, स्पिरिट्स वगैरह में। तो मैंने उसको कहा कि मैंने इससे पहले ये चैलेंज किया बट कुछ भी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला, जो रिज़ल्ट मुझे मिलना चाहिए था वैसा कुछ नहीं मिला मुझे। तो उसने कहा कि तुम एक काम कर सकते हो, तुम इधर इस वीडियो को किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाके शूट कर लो, या फिर अमावस की नाइट को, या फिर चंद्रग्रहण, या फिर सूर्य ग्रहण की नाइट को कर सकते हो इस वीडियो को फिल्म, शायद तुम्हें कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो मैंने कहा कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो इसी वजह से मैं हॉन्टेड प्लेस पे जा नहीं सकती, क्योंकि अभी तो हमारे करीब कोई भी हॉन्टेड प्लेस नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अमावस की नाइट को ये वाला चैलेंज फिर से ट्राई किया जाए, क्योंकि उसने कहा कि अमावस की नाइट को ना कर्स नाइट माना जाता है। तो उस दिन ना क्या करते हैं लोग, स्पेशली रूरल एरिया पे ये चीज़ बहुत ही फेमस है कि अमावस की नाइट को लोग जादू टोना करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं और आत्मा भी छोड़ देते हैं एंड अच्छा नहीं कहा जाता अमावस की नाइट को। बहुत सारे लोग ना अमावस की नाइट को घर से नहीं निकलते, परफ्यूम नहीं लगाते रात को, चौड़ाई पे नहीं जाते, अगर नींबू मिर्च देख लेते रास्ते पे तो वहाँ से ही लौट जाते, काली बिल्ली देख लेते तो रास्ता क्रॉस नहीं करते। तो बहुत सारे जगह पे बहुत तरह के अंधविश्वास माने जाते हैं। तो अमावस की जो नाइट है उसको ना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता,
तो उसने मुझे कहा कि तुम एक बार अमावस की नाइट को ये वाला चैलेंज क्लेम कर लो तो शायद तुम्हें इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रूव कर दूं कि सच में अमावस की नाइट को कुछ ऐसा होता है या फिर ये लोगों की मनगढ़ंत कहानी है या फिर लोगों का अंधविश्वास है, भ्रम है। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग चैलेंज को फिल्म करने वाले हैं। तो गाइस, ये रहा मेरा मोबाइल, ये है मेरा वॉलपेपर का पिक्चर एंड अभी बजे 2:50 AM। आज है 19 अगस्त 2020। आज है अमावस की नाइट, आज वेडनेसडे है। तो मैं अभी आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो मैं इस चैलेंज को डायरेक्ट 3 AM में करने वाली हूँ, तो मैं अभी प्रिपरेशन लूँगी। तो गाइस देख सकते हो 2:51 AM बज चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गूगल पे भी आप लोग चेक कर सकते हो कि 19 अगस्त 2020 को अमावस की नाइट है या नहीं। तो देख सकते हो आप लोग। सो हाय गाइस, मैं भी आईने के सामने चली आई हूँ। सो ये है हमारा कैंडल एंड ये हूँ मैं खुद, यानी कि रोजी, आप सभी की प्यारी चाय पत्ती। एंड मैंने एक और ट्राईपॉड पे एक टॉर्च लगा दिया है, बिकॉज मैंने देखा जब पूरा एकदम लाइट ऑफ कर दे रही थी तब कुछ नहीं दिख रहा था एट ऑल आईने में। ये है आईना मेरे सामने, मिरर। एंड यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड पे अपना मोबाइल रख दिया है शूट करने के लिए, सॉरी अपना कैमरा रख दिया है शूट करने के लिए। तो आप अभी मेरा रिफ्लेक्शन एंड मुझे दोनों को आई थिंक देख पा रहे होंगे। तो अभी बजे है रात की 3, ऑलरेडी आई थिंक बज चुके हैं। अभी मैंने आपको टाइम दिखा दिया इससे पहले। तो अभी मैं करने जा रही हूँ एंड ज़्यादा मुझे डर लग रहा है बिकॉज अभी तो रात के 3 बजे। ऊपर से इससे पहले बहुत ही डरा, मुझे ज़्यादा डर लग गया था एंड अमावस की रात ये चीज़ मेरे मन में बैठ गई। तो घर में अकेली हूँ एंड एवरीथिंग, कोई नहीं करना है अभी, बहुत स्वेट कर रही हूँ मैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, कुछ नहीं हुआ, कुछ आवाज है आई थिंक मैंने कुछ आवाज सुनी, आई डोंट नो। ओके, सो कुछ नहीं हुआ एट ऑल। तेरा बार करते डर लग रहा, आई डोंट नो गाइस, ज्यादा डर लग रहा। ओह माय गॉड, ओह कुछ आई थिंक मैंने कुछ देखा ही नहीं, आई डोंट नो गाइस एट ऑल। गाइस रियली बोल रही हूँ, कुछ आई थिंक गाइस कुछ आई थिंक डर लग रहा है। तो चलिए अभी तेरा बार करते। मैं सच्ची बताती हूँ गाइस, अभी एक और आवाज़ सुनाई थी मुझे, आई डोंट नो गाइस क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी मुझे लगा कि जस्ट आईने में मैंने कुछ देखा, बट आई वाज नॉट श्योर, डोंट नो गाइस, वो लाइन्स बोलने के बाद क्या दिखी मुझे। सो तेरा बार बोलते हैं, ब्लडी मेरी, 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 कुछ तो नहीं, गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आई थिंक मेरे अलावा भी इस घर में और कोई है। गाइस मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, दिस इज ट्रू, ज़्यादा मैं डर रही हूँ आज, आई डोंट नो एट ऑल, ज़्यादा डर लग रहा है गाइस, सच बताती हूँ ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, आई डोंट नो गाइस। थोड़ी देर पहले जब 3 बार बोला ज़्यादा डर गई थी मैं, तभी मुझे वो 3 लाइन्स बोलना है, जस्ट टोटली शॉक्ड कैसे बोलूँ, बट बोलना है हमें, करना है। आईने में कोई है तो नहीं ना, हाँ मैं ही हूँ, ज़्यादा डर रही हूँ मैं।
मुझे नहीं डरना, मुझे करना है, वो बोलना है, बोलना है मुझे, या आई हैव टू डू। ब्लडी मेरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मेरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मेरी आई स्टोल योर बेबी। आई डोंट नो गाइस, आज ज़्यादा आई डोंट नो गाइस क्या हो रहा है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब मुझे कोई देख रहा है, मेरे घर में मेरे साथ और भी कोई है, आई डोंट नो, कहीं कोई है तो नहीं ना। आईने में देखने के बाद मुझे फिर से आई थिंक मैंने कुछ देखा, आई रियली डोंट नो गाइस क्या हो रहा है, बट मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा। गाइस आई रियली डोंट नो क्या हुआ, बट टोटली स्केयर्ड, मुझे और नहीं करना, मैंने बोल दिया अगर 13 बार मैं ये लाइन बोलने के या स्टूडियो पे भी आई डोंट नो क्या होगा, या फिर बोलूँ, कर रही हूँ, कर लेते हैं पूरा, तो चलिए स्टार्ट करते। ब्लडी मेरी आई स्टोल योर बेबी, 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 ब्लडी मेरी आई स्टोल योर बेबी। आई डोंट नो गाइस क्या हुआ, ब्लडी मेरी आई स्टोल योर बेबी, ब्लडी मेरी आई स्टोल योर बेबी। मैंने आईने में आई मतलब सच कह रही, आई डोंट नो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ या नहीं, मुझे लगा कि मैंने आईने में कुछ देखा, आई रियली डोंट नो गाइस, बहुत ज़्यादा मैं स्वेट कर रही हूँ और मैं नहीं कर सकती। तो गाइस मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो मुझ में और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, लिटरली आज जो मेरे साथ घटा ब्लडी मेरी के चैलेंज के दौरान, वो आई जस्ट कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। मैं अभी ये सोच के डर रही हूँ कि इसके बाद मुझे बेबी ब्लू चैलेंज भी फिल्म करना होगा, मैं किस तरह से कर पाऊंगी, आई रियली डोंट नो। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब भी मैं कैमरे की तरफ टर्न ओवर कर रही थी आपसे बात करने के लिए, एंड जब भी मैं टर्न ओवर कर रही थी आईने में, तभी मुझे कुछ खूंखार, मतलब पता नहीं मेरे मन का बहम था या फिर और कुछ ऐसा कुछ दिख रहा था, मैं ज़्यादा डर गई हूँ, और कुछ नहीं बोला जाएगा, वेरी सॉरी गाइस, बट फिर भी चैलेंज कम्प्लीट करने की पूरी कोशिश की। तो अगर आपको लगा कि मैंने सच में मेहनत किया तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर देना, तो और कुछ नहीं बोला जाएगा मुझसे, बिकॉज आई एम लिटरली स्केयर्ड, और कुछ मैं बोल मतलब मेरे मतलब वर्ड्स नहीं निकल रहे मेरे माउथ से, मैं इतना ज़्यादा डर गई हूँ, मुझसे और कुछ नहीं बोला जाएगा, आई एम लिटरली स्केयर्ड, वेरी सॉरी गाइज। डू लाइक दिस वीडियो गाइज,
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और एक छोटू सा बेल आइकन उसको भी प्रेस करते हुए जाना, ताकि मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस, व्लॉग्स एंड नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। एंड जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो, व्लॉग या फिर नोटिफिकेशन पोस्ट करूं, सबसे पहले आपके डिवाइस पे चलाएगा अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करते हो। ओके, मतलब कि हमारे शुद्ध देशी भाषा में घंटी बजाते हुए जाना, ओके, जैसे आप लोग मंदिर में बजाते हो, ठीक वैसे, है ना? तो गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे हो सकता है, देन प्लीज मेरे वीडियो को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हो। ओके, फुल परमिशन है, बट with proper comments, there should not be any kind of negative comment या फिर negative speech या फिर hate speech, okay? And other social media platform का मतलब जैसे कि Facebook, Twitter और Instagram या फिर किसी और social media platform पर भी आप लोग मेरे video को share कर सकते हो, but कोई भी negative comment, negative speech या फिर hated comment allowed नहीं होगा, okay? तो उसमें मैं कभी भी permission नहीं दूंगी, because always try to spread positivity as much as you can. ओके, तो कमेंट करते हुए जाना कि वीडियो कैसा बना था, नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहोगे, एंड आपको इस तरह के हॉरर वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं। एंड अगर आपके पास कोई वीडियो रिक्वेस्ट है, देन प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी हो सकेगी मैं वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगी एंड अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगी। बट अगर किसी कारण की वजह से डिले हो जाता है, देन आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, ओके। बट जितनी जल्दी हो पाएगी आपके लिए मैं वो रिक्वेस्ट फुलफिल करने की कोशिश करूंगी, एंड आपका नेम भी मैं शाउट आउट करूंगी जो भी मुझे वीडियो रिक्वेस्ट के लिए मतलब बोलेगा, ओके। एंड गाइज, आप लोग मेरे ऑडियंस हो, मेरे चिपसार्ट्स हो, मेरे फैमिली मेंबर जैसे हो, तो आप सबसे मुझे सजेशन सुनना हमेशा अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास कोई भी सजेशन से रिगार्डिंग एनी टॉपिक और एनी थिंग, देन प्लीज कमेंट करते हुए जाना, ओके, मुझे बताते हुए जाना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग माई वीडियो, देन प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर उसको देखूंगी, ओके, एंड आपको आंसर भी करूंगी। सो गाइज, मैं हर एक कमेंट को लव करती हूँ, लाइक करती हूँ एंड अच्छे से ध्यान से पढ़ती हूँ एंड उसको रिप्लाई भी करती हूँ, ओके। एंड गाइज, आपको किस तरह के वीडियोस देखना पसंद है, मतलब आपको किस तरह के मेरे वीडियोस देखना पसंद है, कमेंट करते हुए जाना, ठीक है? मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे ऑडियंस को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह का वीडियो मैं पोस्ट करूं उन सबके लिए। तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं वहां पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ एंड स्टोरीज वगैरह में पोस्ट करती रहती हूँ कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो मैं ड्रॉप करने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको एक क्लू मिल जाए मेरे फ्यूचर वीडियो के बारे में। एंड गाइज, मैं हर ट्यूजडे एंड फ्राइडे को वीडियो बनाती हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, ओके। एंड गाइज, मैं अगर आप लोग चाहते हो देन मेरी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ऑप्शन इनेबल रख दिया है, बट अगर आपकी डिवाइस पे स्टोरेज स्पेस फुल हो गया, देन प्लीज डाउनलोड मत कीजिए, बिकॉज मेरे हर एक वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना पसंद किया। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख ही लिया है, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, एंड आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी प्लीज बताते हुए जाना कमेंट सेक्शन में, ओके। तो गाइज, आज का वीडियो यही तक था, तो बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, या स्प्रेड पॉजिटिविटी, एंड बाय बाय ऑल, लव यू ऑल।